बिग बॉस चाहते हैं कि सब घर वाले जमकर लड़ाई करें। अब भाई बिग बॉस तो यही चाहते हैं ना कि जितना बवाल होगा उतना ज्यादा चर्चा मिलेगी, और जितनी ज्यादा चर्चा मिलेगी उतने ज्यादा लोग देखेंगे। भैया बिग बॉस का तो एक ही फंडा है, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी। बिग बॉस ओटीटी शुरू हो चुका है, एक हफ्ता बीत चुका है और अब सब घर वाले अपने फॉर्म में जो हैं वो आ गए हैं। अब ताजा एपिसोड में तो भैया बिग बॉस ने बवाल करवाने का पूरा इंतजाम कर लिया, सबसे पूछ लिया कि भैया कौन सा घर वाला कामचोर है। वोटिंग हुई, पंचायत बैठी और निशांत और मूस के नाम पर मुहर लगी, दोनों भड़क गए जाहिर तौर पर। इसके बाद सबसे अनहाइजीनिक घर वाले की बात हुई, सबसे अनहाइजीनिक कनेक्शन कौन है इस पर बात हुई, और यहां पर भी निशांत और मूस का ही नाम लिया गया। हालांकि प्रतीक ने नेहा भसीन को अनहाइजीनिक कह दिया तो नेहा भसीन भड़क गई। इससे पहले प्रतीक, सहजपाल और रिद्धिमा पंडित के बीच जमकर झगड़ा हुआ, मतलब रिद्धिमा पंडित एकदम रौद्र रूप में आ गई और कह दिया कि भैया जो है मैं छोड़ने नहीं वाली हूं। उसके बाद कहा कि मुझे पैनिक अटैक हो जाएगा। ये लड़ाई इतनी जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी कि भैया डॉली बिंद्रा की याद आ गई एक बार को। तो खैर, रिद्धिमा ने यह तक कह दिया मुझे अभी के अभी इस घर से निकालो। अरे ये समझ में नहीं आता कि जब इन लोगों को घर से निकलना ही है, हर कोई धमकी दे रहा है बिग बॉस को घर से निकालो, कहीं बिग बॉस ने ऐसा कर दिया कि सबको निकाल दिया और नए लोग ले आए तो भाई इन सबका क्या होगा, यही जानते हैं। खैर, सब लोगों को शांत करवाया गया। फिर रिद्धिमा ने कह दिया मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी, इस घर के खाने में जहर है, पॉइजन है मेरे लिए। अब प्रतीक तेजपाल जो हैं वो अपनी गेम जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। पहले नेहा से उनकी दोस्ती हुई, फिर नेहा को ही उन्होंने अनहाइजीनिक कह दिया। जब नेहा भड़क गई तो इसके बाद नेहा को समझाने बुझाने भी लग गए कि अरे भाई वो तो गेम थी, मैंने इसलिए कहा था। तो कुल मिलाकर प्रतीक सहजपाल जो हैं वो बवाल जो हैं जमकर काटे हुए हैं। जब कैप्टन बने थे तो थोड़े शांत हो गए थे, लेकिन फिर भैया अपने उसी मोड में आ गए हैं। अब आने वाले एपिसोड के बारे में भी जान लीजिए। आने वाले एपिसोड में भी रिद्धिमा और प्रतीक के बीच जमकर बवाल होने वाला है। प्रतीक बोलेंगे कुछ तो शर्म करो, रिद्धिमा भी बोलेंगी कुछ तो शर्म करो। प्रतीक कहेंगे तुम मेरे खानदान पे गई थी, तो रिद्धिमा ने कहा कि भाई मैं दिव्या की दोस्त हूं, तुमने भी तो दिव्या के बॉयफ्रेंड वरुण सूद पे बोला था, वो मेरा खानदान है। खूब जमकर बवाल होगा। और करण नाथ जो बीच बीच में एक्टिव होते हैं एकदम अभी हम जिंदा है टाइप, वो भी एकदम मारने पीटने के लिए आ जाएंगे। लेकिन होता क्या यार, करण नाथ गेस्ट अपीयरेंस के लिए आते हैं, जरा सा आते गुस्सा दिखाते फिर पता नहीं कहां चले जाते हैं। बिग बॉस इनसे कहिए करण आपको लगातार बवाल करना है, तभी ये कुछ ना कुछ बवाल करेंगे। और भैया इस बार तो सबके सब नॉमिनेट हो गए हैं, तो देखने वाली बात होगी कि भैया घर वाले नॉमिनेशन से बचने के लिए किस हद तक जाते हैं। बिग बॉस ओटीटी का हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे। खबर ये भी है कि बिग बॉस में रेखा की भी एंट्री हो सकती है। जी हाँ, सदाबहार रेखा। अब ये एंट्री किस तरह से होगी, ये धीरे धीरे खबरें आएंगी तो आपको बताएंगे। ABP News, आपको रखे आगे।